वर्कआउट हो गया है और मैं लगाने वाली हूँ फेस पैक। काफ़ी दिनों के फेस पैक नहीं लगाया यार, तो मैं सोच रही हूँ आज फेस पैक लगा लूँ। मैंने यहाँ पर ये वाला ये अप्लाई करने वाली हूँ। ये है एवरयूथ का फेस पैक डिटैन वाला, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया है इससे पहले भी। वैसे बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो चलिए अप्लाई कर लेती हूँ पहले। रेडी हो गए हो है ना? अद्विक ने नहा लिया ना? हाँ, मैंने नहा लिया। अच्छा, और पापा ने भी नहा लिया? सिर्फ दीदी दीदी का नहाना बाकी है। अब नहाओगी अभी थोड़ी देर में? हाँ, नहा लो जल्दी से। क्या दीदी के पापा के मेरे क्या मम्मा के फिर किसके कोई के कोई के नहीं। अद्विक अद्विक आप पापा जैसे नहीं दिखते हो। माही दीदी पापा जैसे दिखती है बोलते हैं सब। नहीं, सभी लोग बोलते हैं कि माही दीदी पापा जैसे दिखती है। अद्विक मैं ही तो दिखती है, लेकिन अद्विक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अद्विक अद्विक आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना? हाँ। और दीदी मैंने बोला उसको आप बहुत बदमाश हो ना, पापा का फ्रेंड हूँ। हाँ, अद्विक अद्विक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा, ओह ओह, अरे बाप रे। उसको ऐसे करो। हाय फाय। अच्छा, चलो माही जल्दी से नहा लो, शाम को नहाना चाहिए बेटा। सभी लोगों ने नहा लिया, घर पे आदत हो गई अभी सभी को कि दो टाइम नहाने के, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है यार। हम लोगों ने आज कूलर लगाया था, आज तो कंट्रोल नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी। आज लगा ही लिया आखिर में कूलर। और आज की डेट मैं आपको बता दूँ, आज की डेट तो याद नहीं है मुझे, लेकिन आज का जो डे है वो है ट्यूसडे। तो और अभी बज रहे हैं 8:30, क्योंकि वर्कआउट के बाद मैंने अभी नहा लिया है और बर्तन थोड़े से पड़े थे वो वॉश कर लिए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया है। पहले वॉश किए बर्तन और फिर उसके बाद नहा लिया था, तो इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया। तो चलिए फिर कामों में लग जाते हैं। शाम को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है खाने के लिए, इस वजह से उनके लिए मैं आज बनाने वाली हूँ फिंगर्स, मतलब पोटैटो फिंगर्स। इसलिए ये पोटैटो काट के रख दिया है इस तरह से, अब इसके फिंगर्स बनाने वाली हूँ और बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी। तब तक मतलब वो थोड़ा सा जिद नहीं करेंगे खाने के लिए, डिनर थोड़ा सा लेट बनता है, तो जब तक मेरा डिनर बनता है तब तक उनका पेट फुल रहता है, तो इस वजह से उनके लिए ना बीच में दोपहर में शाम को कुछ ना कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तो आज बनाने वाले उनके लिए फिंगर्स।
कपड़े लगा दिए हैं मशीन में। शाम को ना हम लोग नहाते हैं तो कपड़े निकल जाते हैं शाम के, तो इस वजह से शाम को कपड़े डाल देती हूँ। आप लोगों में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि शाम को ये कपड़े धोती है क्या, बट नहीं, जो शाम के नहाने के कपड़े जो होते हैं वही मैं मशीन में डालती हूँ शाम के लिए, और नहीं तो फिर वो सुबह तक रखते हैं तो स्मेल आने लगती है, तो इस वजह से वो मैं शाम को ही वॉश करके डाल देती हूँ। तो चलिए डिनर की तैयारी करती हूँ। डिनर में बनने वाली है इसकी सब्जी, आज स्प्राउट्स की सब्जी, तो ये बोल रहा है इसकी ही सब्जी बनाओ, क्योंकि ये जो मिक्स स्प्राउट्स है मैंने आपको एक ब्लॉग में बताया था कि मैं एक कंटेनर में भर के रखा, जैसे थोड़े से मूंग हो गए, थोड़ी सी मटकी हो गई, चने हो गए, ये सारी चीज़ें, थोड़ी सी बरबटी हो गई, तो ये सारी चीज़ें मैं मिक्स करके एक कंटेनर में भर के रखती हूँ। जब भी मुझे भिगोने के लिए डालने होते हैं तो मैं वो भिगोती हूँ और इस तरह से इसके स्प्राउट्स बनाती हूँ। तो अभी इसकी सब्जी बनाने वाली हूँ, क्योंकि सुबह की सब्जी बची है और थोड़ी सी रोटियां मुझे बनानी पड़ी आज, और सुबह का राइस भी बचा है, तो चलिए पहले डिनर बना लेती हूँ। तो गाइस सब्जी बन रही है और सब्जी बनने के बाद हम लोग डिनर करेंगे। तो डिनर तो बन ही गया है, थोड़ा थोड़ा ना सुबह का था तो इसी वजह से इतना ज़्यादा टेंशन नहीं था आज मुझे डिनर का, तो मैं आराम से कर रही थी आज सारा कुछ। तो बस अभी ये सब्जी बन जाने के बाद हम लोग डिनर कर लेंगे, उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। सो गाइस डिनर तो हो चुका है और काफ़ी दिन हो गए नेल पॉलिश चेंज नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ नेल पॉलिश चेंज करूँ अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदे लग रहे हैं नेल्स, और अभी तो मुझे बर्तन भी क्लीन करने पड़ रहे हैं ना, तो बहुत जल्दी नेल पॉलिश निकल जा रही है और बहुत ही ज़्यादा अजीब से लग रहा है। अब शेप भी बिगड़ गया है, और कौन सा छोटा कौन सा बड़ा ऐसे शेप भी बिगड़ गया है पूरा, और अजीब से लग रहा है, तो चलिए नेल पॉलिश चेंज कर लेती हूँ, फिर टाइम है थोड़ा सा, तो सोच रही हूँ नेल पॉलिश चेंज कर लूँ। I don't know.
गाइज, अभी बज रहे हैं 11:30 और ब्लॉग को एंड करने का टाइम आ गया है। और हाँ, बहुत से लोगों को लगता है यार कि मेरा जो भाई है वो मेरे घर पे क्यों रहता है, तो आज बता देती हूँ मैं आपको। क्यों काफ़ी दिनों से यही पूछा जा रहा है मुझसे कि मेरा भाई घर पे क्यों रहता है मेरे, या वो ज़्यादातर यहाँ पर ही दिखता है आप लोगों को। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप मुझसे न्यू ज्वाइन हुए हैं तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि श्रीकांत जो है मेरा भाई, मैं बोलती हूँ तो वो मेरा मुँह वाला भाई है, पड़ोस के अंकल आंटी का बेटा है। वो मेरा मुँह वाला भाई ज़रूर है, लेकिन मुझे मेरे सगे भाई जैसा ही है। तो अंकल आंटी मुझे बेटी मानते हैं, वो मुझे बिल्कुल दूर नहीं करते। पिछली बार भी बताया था एक बार कि मेरे बच्चे ज़्यादातर उनके ही घर में रहते हैं, वहाँ पर ही खाना पीना करते हैं। मतलब उन्होंने बहुत किया है हमारे लिए, बहुत ज़्यादा, मतलब जितना सगा भी नहीं कर सकता इतना उन्होंने हमारे लिए किया है। तो इसी वजह से वो मेरे इतने ज़्यादा क्लोज है, और इसीलिए श्रीकांत हमारे घर पे ज़्यादातर रहता है। वो बच्चों के बिना नहीं रह सकता है, क्योंकि जैसे ही वो ड्यूटी से आता है ना, तो उसको पहले घर पे जाता है। अभी कोरोना की वजह से पहले घर पे जाता है, फ्रेश होता है, नहा लेता है, उसके बाद जैसे ही वो इधर आता है तो हम लोग फिर उसे जाने ही नहीं देते, क्योंकि उसके घर पर प्रॉब्लम ऐसा हो गया था कि उसकी जो मासी है लॉकडाउन से पहले यहाँ पर आ गई थी कुछ ट्रीटमेंट के लिए, और श्रद्धा भी आ गई थी, तो इस वजह से उनके घर में काफ़ी सारे लोग हो गए हैं। लॉकडाउन की वजह से वो यहाँ पर अटक गए हैं, मतलब वो वहाँ पर जा भी नहीं सकते हैं, मतलब उसकी मासी और जो उनका बेटा वगैरह है, तो बहुत लोग उनके घर में पहले से ही हो गए हैं। तो इसी वजह से हम लोग उसे बोल रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादा मत रहो, आप यहाँ पर आ जाया करो, और यहाँ पर वो ऊपर वाले रूम में सो जाता है। जैसे ही वो ड्यूटी से आता है तो वो वहाँ पर घर पे से नहा धोने के लिए जाता है और फिर इधर आ जाता है। तो इसी वजह से ज़्यादातर आपको वो मेरे घर पर ही दिखता है। तो इस वजह से आप लोगों में से काफ़ी लोगों के मन में सवाल आते होंगे कि मेरा भाई मेरे घर पे क्यों रहता है। तो आई होप आपको जो मन में डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। तो अब आती है बारी नाम लेने की। तो फर्स्ट नाम है उमा रामगिरी और सेकंड नाम है हेमा चांदवानी। तो कॉन्ग्रेचुलेसन डियर, तो जिसका भी नाम मैं ले नहीं पाई इस ब्लॉग में, तो सो सॉरी डियर उसके लिए, बट आप नेक्स्ट ब्लॉग में ट्राई कर सकते हो। मतलब इस ब्लॉग में आप कमेंट करके बता सकते हो मुझे कि आप नेक्स्ट ब्लॉग में मेरा नाम लीजिए करके, तो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपका नाम ज़रूर लूँगी। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो। और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, मेकअप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ। और अपने से कोई अगर मराठी मुझे देख रहे तो मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल भी है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लस इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।